नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास कार्यक्रम बोल बेधड़क में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज का मुद्दा उन पर केंद्रित है जिनके योगदान के बिना देश ना तो विश्व गुरु बन सकता है ना ही महान हो सकता है। मुद्दा है स्कूल से बच्चियों की दूरी का। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नारे बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षित माँ बच्चों का भविष्य बनाती है, बेटी का अधिकार, बेटे जैसा मिले शिक्षा और प्यार, जैसे तमाम स्लोगन तब निरर्थक बन जाते हैं जब पता लगता है कि बेटी ने किसी कारण से स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है। आज बोल बेधड़क में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है बेटियों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने का कारण। पूछेंगे आपके बेधड़क सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जब एक लड़की पढ़ती है तो दो घरों को संस्कारित करती है, और हमारे देश के संस्कारों में भी नारी को प्रथम पायदान पर रखा जाता है। नारी शक्ति की महत्ता पूरे विश्व को बताने वाले भारत में आखिर क्यों बच्चियों की पढ़ाई को लेकर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है? जिस देश में राष्ट्रपति महिला है, जिस देश में वित्त मंत्री महिला है, और जहाँ का इतिहास महिलाओं की वीरता और उनके नेतृत्व कौशल से भरा पड़ा है, फिर क्यों महिलाओं की शिक्षा को लेकर हम पिछड़ रहे हैं? बात करें हमारे राज्य की तो यहाँ भी हालात पद से बदतर बने हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के दौर में आज भी प्रदेश की कई बालिकाएं स्कूल से दूर हैं। ग्रामीण इलाकों में बालिकाएं स्कूल में एडमिशन तो लेती हैं, लेकिन किशोर अवस्था तक आते आते किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देती हैं। प्रदेश में बालिकाओं के ड्रॉप आउट की दर में भले ही कमी आई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी काफी ज्यादा है। 11 से 14 साल की स्कूल ना जाने वाली बालिकाओं का आंकड़ा देखें तो राजस्थान देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दरअसल प्रदेश में आज भी कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में माता पिता लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। कहने को तो सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर भी देती है, लेकिन बीच बीच में योजना बंद कर दी जाती है, जिसका सीधा असर बच्चियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इसके अलावा आज भी राज्य में 2.8% स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है। वहीं 13% स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है। शौचालय नहीं होने से महावारी के दौरान भी लड़कियों को समस्या होती है। ऐसे में बालिकाएं स्कूल से दूरी बना लेती हैं। वहीं एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल से बीच सेशन में ड्रॉप आउट करती हैं, वो कारण है स्कूलों में टीचरों की कमी। दूर दराज ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 60-65 हज़ार पद रिक्त है। शहरों के स्कूलों में तो भले ही शिक्षकों के पद भरे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्कूल अब भी खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है आपके बेधड़क सवालों का। सवाल नंबर 1, बच्चियों के ड्रॉपआउट का आखिर क्या है कारण? महिला शिक्षा पर जागरूकता की कमी या कुछ और? महिला शिक्षा में सरकार की प्लानिंग क्या है? गांव में बालिका शिक्षा को लेकर जागरूकता कब और कैसे? चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है संगीता बेनीवाल जी, जो कि राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष हैं,
मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय गोयल जी हमारे साथ हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं ये। साथ ही हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जैन बिट्टू, प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बहुत अहम मुद्दा है आज का, बालिका शिक्षा और बालिकाओं का ड्रॉप आउट। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा विजय जी, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं आप, और बालिका शिक्षा जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है देश में, और बालिका शिक्षा को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो अथक प्रयासरत है, फिर आखिर क्यों आपको ऐसा क्या कारण आपको दिखाई देता है कि बालिकाएं स्कूल ड्रॉप आउट कर देती है? दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जी, और जिनके ऊपर लगातार काम होने की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से ना तो सरकारों ने उस तरीके से काम किया जो हमारे संवैधानिक अधिकारों में कहा गया था, जो हमारे शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया था जी। दो कारण, इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आप जैसे आप बात कर रहे थे लगातार कि क्यों शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता नहीं है, गांव में जागरूकता नहीं है जी। आपने जो कुछ फिगर जो दिखाए जी, ये सारे फिगर ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं बालिकाओं की शिक्षा को लेकर, ये शिक्षा को लेकर के हम कहीं प्राथमिकता में नहीं आए। ठीक है, 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, जो प्रावधान उसमें किए गए थे उस प्रावधान के अनुसार आज 12 साल हो गए, हम उसको उसके मंशा के अनुरूप क्रियान्वित नहीं कर पाए। क्या कारण रहा सर? कारण भाई देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, हम बात लगातार हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं जी, केंद्र सरकार ही वही बात कर रही है, राज्य सरकार ही वही बात कर रही है जी। आप जो कुछ फिगर दिखा रहे हैं और सरकार के जो आंकड़े बोल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गहरा अंतर है। लेकिन राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने तो फ्री कर दी शिक्षा। कंप्लीट मेरी बात कर लूं जी, बोलिए। आपने कहा सर 6.4%, ये जो आप 6.4% जो ड्रॉप आउट बता रहे हैं, ये ड्रॉप आउट असल में यदि आप इसको प्राइवेट और सरकारी स्कूल को दोनों को अलग अलग करके देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अभी अच्छा। कम हो रहा है सिर्फ क्योंकि प्राइवेट स्कूल के आंकड़े इसमें जोड़ रखे हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में आज भी हम कह रहे हैं, डाइस का डेटा आता है, डाइस का डेटा ये कह रहा है कि 95% स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। हमारा स्टडी ये कह रहा है कि आज भी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में, विशेषकर ग्रामीण स्कूलों में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है टॉयलेट्स की। ठीक है, तो आपका कुल मिला के कहना यह है कि निजी स्कूल और अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में ड्रॉप का आंकड़ा ज्यादा है बनिस्बत निजी स्कूल के। सर आप, अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों से जुड़े हुए हैं और लगातार मुद्दों को उठाते हैं, शिक्षा की बात हो चाहे अधिकार की बात हो, दोनों पे ही आप बराबर बने रहते हैं। आपको कहाँ कमी दिखाई देती है सर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है बालिका शिक्षा और उस तरह से अगर ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा इसमें एक अपने को जिस प्रकार से हम लोग ग्राउंड लेवल पर वर्किंग करते हैं जी, उस प्रकार से हमें सरकार की नीतियों और रीतियों दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन सरकार की नीतियों में और रीतियों में है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो काम ग्राउंड लेवल पर होता नहीं है और आंकड़े इस प्रकार से आते हैं कि जैसे पता नहीं कितना सारा काम सरकार करके दिखा चुकी है जनता को। अभी अच्छा। हाल फिलहाल में एक बात रखना चाहूंगा ड्रॉप आउट का रीजन के अंदर ही है, क्योंकि मेरे पास कुछ शिकायतें बालिकाओं को लेकर आई हुई हैं अभी भी, जिसको लेकर हम शिक्षा विभाग में भी जाते हैं, बाल आयोग में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन कहीं किसी भी विषय को लेकर कार्रवाई नहीं होती। और कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को भी स्वीकार करता हूँ कि इसका इन्हीं कारणों से वो बालिका ड्रॉप आउट करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी तो सक्षम होता नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को उस लेवल पर भी सोचना पड़ेगा। आज सरकार ने आरटीई के तहत 9-12 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। अब 9-12 के अंदर जो बच्चे आप पढ़ना चाहती हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको लेकर सरकार सोच ही नहीं रही है। उनको किस तरह की गाइडलाइन जारी नहीं हुई, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी हुई है, आपको क्या कमी लग रही है सर उसके अंदर? ये जो प्रक्रिया सरकार को जारी करनी चाहिए थी शिक्षा विभाग को, आज तक अभी तक ये निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि वो बच्चों के एडमिशन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे।
सबसे सबसे माइनस पॉइंट तो यही है सबसे बड़ा। आज तक जबकि स्कूलों के अंदर 1 अप्रैल से नए सत्र चालू हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं की है। वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों का कहने का मतलब है अभी एडमिशन चालू नहीं हुए हैं, नई जो ITI जो सरकार ने जो योजना बनाई है कि 9 to 12 वाले जो बच्चों को सरकार पढ़ाना चाहती है उनके एडमिशन सरकार करवाना चाहती है, उनको जो शिक्षा का खर्चा है वो सरकार उठाना चाहती है। जब एडमिशन प्रक्रिया ही नहीं चालू होगी, एडमिशन बच्चों का एडमिशन ही नहीं होगा, तो वो सरकार किसका खर्चा उठाएगी। तो सर शिक्षा नीति अभी नहीं आई है उसी से तकलीफ है या जो पहले से शिक्षा नीति चल रही है उसमें भी समस्याएं थी? पहले की बहुत सारी तकलीफें हैं, हमें देखना पड़ेगा। जैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख लो, अभी सर विजय जी सर ने भी आपके सामने रखा कि भाई सरकारी स्कूलों की शहरों के बनस्पत ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। सरकार के सवाल उठा रहे हैं, संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाई है, उनसे जुड़ने का प्रयास जारी है, उनसे इस पर सवाल करेंगे। लेकिन विजय जी सबसे पहली बात, चाइल्ड राइट्स को लेकर आप लोगों ने भी जागरूकता चलाई, आप लोग भी बालिका शिक्षा की बात हो तो जागरूकता अभियान चलाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे में क्यों लगता है आपको कि एक सर्टन उम्र के पे आने के बाद ज़्यादातर 8वीं 9वीं क्लास की जो बालिकाएं हैं वो इतनी पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट कर देती है, क्या कारण नज़र आते हैं आप? देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर ही बहुत सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और वो स्थिति आ रही है आपकी सिक्स्थ अबाउ क्लासेज में आकर के बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा है जी। दो चीज़ें हैं, आपका 10, 11, 12 बच्ची 11, 12, 13 साल के रहती है, मेंस्ट्रुएशन उसका चालू हो जाता है। जब ये मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है तो उस समय जब ये बच्चा स्कूल में है, यदि मान लीजिए स्कूल में यदि आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो वो बच्ची कम 15 दिन तक तो कम से कम 7 दिन तक तो कम से कम स्कूल से बाहर रहती है। 7 दिन अब शुरुआत में ये बच्चों के इस तरह की जब प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो बच्चों के मन में डर पैदा होता है। बच्चों के साथ स्कूल में ये सबसे बड़ी दुविधा है कि बच्चों के साथ स्कूल में इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला। बच्चों के साथ टॉयलेट्स की बात की, सबसे बड़ी चीज है टॉयलेट्स, आप टॉयलेट साफ सुथरे नहीं है, बच्चों के साथ होने वाले मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, शौचालय सही नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए दूसरे टीचर सबसे बड़ा कारण लेडीज टीचर की उपस्थिति उपलब्धता। आज भी आपके स्कूल में 32 या 33% लेडीज टीचर्स हैं टोटल राजस्थान में जी। गर्ल्स स्कूल में बच्ची अपनी ही पर्सनल बात को करना है, कोई पर्सनल समस्या है, उस पर्सनल समस्या को टीचर के जेंट्स टीचर के सामने नहीं उठा सकती गर्ल्स टीचर। अच्छा। और जिस तरीके से तो मतलब एक मिनट पूरी बात जी हाँ बोलिए बोलिए जिस तरीके से बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, समाज में बच्चियों को शिक्षा के प्रति जोड़ने का के प्रति जो रुझान है वो वापस नेगेटिव होता जा रहा है कि बच्ची बड़ी बड़ी हो रही हैं और इनके इस तरह की हरकतें हो रही हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं, बच्चियां वो हो रही हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर जब बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता है इसके तो मतलब एक हल आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक महिला सेल इस तरह की बनाई जाए जिससे बच्चियां जो हैं वो अपने स्कूल जाती हैं वहां पर वो बातचीत कर सके और अपनी समस्याएं रख सके, ये उनका समाधान मिल सके उनको वहां। और ये हमारे नीति में भी शामिल है, 1986 में भी शामिल था, हमारे 2010 का जो कानून राइट टू एजुकेशन आया उसमें भी शामिल है कि बच्चियों के लिए अलग से इस तरह का सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध हों। लेकिन सर अगर बीते दिन की अगर हम लोग बात करें प्रदेश के अंदर तो लगातार महिला शिक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, सरकार ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए हैं और जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए उनको फ्री स्कूल एजुकेशन मिले उसका भी बंदोबस्त किया है, तो उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं देखिए फ्री एजुकेशन ये सारी चीज़ें इससे ड्रॉप आउट के फिगर्स को यदि आप कंपेयर करें 2010 से पहले जी और 2000 आज हमारे ड्रॉप आउट बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं सर रजिस्ट्रेशन तो बढ़ा है, सुधार हुआ है सरकार की योजनाओं के बाद रजिस्ट्रेशन तो बढ़ा है लेकिन 8वीं 9वीं क्लास की जो बच्चियां हैं उनका ड्रॉप आउट एक समस्या बनी हुई है और उसकी समस्या बनने का सबसे बड़े जो कारण है वो कारण है कि स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं और स्कूलों में की उपलब्धता। तो सुविधाओं को आप सुधारिएगा आप ठीक है सुविधाओं पे काम होना चाहिए। अभिषेक जी चूंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार की बात सरकार कर रही है, महिला शिक्षा को लेकर निशुल्क शिक्षा भी दे रही है सरकार,
ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो अभिभावकों की भी बनती है, क्योंकि आप अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं, उनके टच में रहते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या उसको लेकर कोई चर्चा होती है? क्या उसको लेकर आप लोग कोई अभियान चलाते हैं, जागरूकता करते हैं? सर, हमारी तरफ से अभिभावकों को जागरूक करने का पूरा काम किया जा रहा है। पिछले 3 साल से हम इस अभियान के ऊपर जुड़े लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर उतर उतर कर हम कार्य कर रहे हैं। केवल सर शहरों में चल रहा है या गाँव में इसकी पहुंच? हर स्तर पर चल रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने यह अभियान चला रखा, और केवल राजस्थान ही नहीं, हम लोगों ने तो और अदर स्टेटों के अंदर भी इस अभियान को चला रखा है बकायदा। लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी देखो सर, केवल अभिभावक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, क्योंकि अभिभावक अपनी जिम्मेदारी निभाना तो चाहता है, लेकिन उसको ना तो संसाधन मिलते हैं, ना कोई जवाबदेही मिलती है, तो वो हताश होकर अपने आप को बैक कर देता है। आज की तारीख में सबसे जो ड्रॉप आउट बच्चों के साथ जो ड्रॉप आउट की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, उसके अंदर मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार की है, प्रशासन की है, वो जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन ना निभा रही है, ना जवाबदेही दे पा रही है। ठीक है, सबसे बड़ी सरकार से सवाल है। तो हमारे साथ राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, आज बहुत सेंसिटिव विषय है, जो बच्चियों का ड्रॉप आउट लगातार बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कहीं ना कहीं जो जागरूकता लानी थी, जो सरकार के प्रयास थे, उनको लेकर कुछ कमी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कह सकती कि ये बात पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि खुद कोरोना के बाद मैंने स्वयं ने लगभग प्रदेश भर के कई जिलों का दौरा किया। वहां पर मैंने जिला स्तर पर बैठक भी रखी कलेक्टर की, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारीगण रहे, उनसे मैंने डाटा मांगा और पता किया कि कितनी ड्रॉपआउट बच्चियां हुई, कितनों को आपने समझाइश कर वापस स्कूल में। तो कई कई जगह तो इतना बेहतरीन कार्य हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ड्रॉपआउट संख्या जो बच्चों को वापस लेकर आए वो बहुत अच्छी संख्या थी, और कई जिलों में मुझे निराशा मिली। इस पर लगातार सरकार भी काम कर रही है, बाल आयोग भी काम कर रहा है। आप देखिए राजस्थान जिस तरह से मॉडल स्टेट घोषित हो रहा है, इतनी सारी योजनाओं के साथ बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने की बात को लेकर, तो मैं कहूंगी कि राजस्थान में तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, चाहे सरकार स्तर पर हम बात करें, चाहे बाल आयोग स्तर पर। परंतु हाँ, जो सर्वे हमारे सामने निकल कर आया है ड्रॉप आउट बच्चियों की संख्या का, वो वाकई में ही चिंता की बात है, और इस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आपको कहाँ कमी लगती है? आप कह रही हैं कि योजनाएं बढ़िया बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। बात यह है कि रजिस्ट्रेशन तो बढ़े हैं स्कूल में, लेकिन जो 8वीं 9वीं जो क्लास की बच्चियां हैं उनका ड्रॉप आउट भी बढ़ा है, तो उसको लेकर कहीं ऐसा नहीं है कि जागरूकता की कोई कमी है, या हम लोग सही तरह मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो कमी आ रही है सामने? नहीं देखो, मैं आपको इसका मोटा मोटा कारण बताऊं, क्योंकि मेरे पास प्रत्येक दिन कई शिकायतें भी आती हैं, कई बच्चियां भी मेरे संपर्क में हैं, अभिभावक भी हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोरोना के बाद जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनका व्यापार थोड़ा ठप हो गया, आर्थिक रूप से वो लोग टूट गए, तो वो परिवारजन अपने बच्चियों को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ये बच्चियां उसमें ज्यादा है 8वीं से 12वीं तक, वो बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में भेजने का कार्य हो रहा है, या फिर वो फीस नहीं भरने की वजह से बच्चियों की पढ़ाई रुक गई है। तो इस तरह के कई मामले आए हैं हमारे सामने, तो इस वजह से ये संख्या हमारे सामने, ये फिगर हमारे सामने। आप मोटा मोटी ये बात कहना चाह रही हैं कि जो सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में बच्चियां जा रही हैं, उनका ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ विजय गोयल जी हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। सर, कितनी बात सही लगती है ये? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही। जी, सरकार प्रयास कर रही है, एक तरफा प्रयास हो रहा है। जी, और ये पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है, जहाँ पे हमें कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी को विश्वास में लेकर के, माता पिता को विश्वास में लेकर के काम करना। जी, आज भी आप इंटीरियर इलाके में चले जाइए, जी, उन इंटीरियर इलाके में बच्चों के पास स्कूल जाने की क्या साधन है, और जो साधन, जो सुविधाएं, जो सरकार घोषणा करिए, चाहे वो कह रही है कि सब हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर दे रखे हैं, हमने कोई दूसरे और चीजें दे रखी हैं, उन सारे सुविधाओं का उपयोग क्या बच्ची को मिल रहा है? जी, तो मतलब बड़ा सवाल ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, और कहीं ना कहीं स्कूल दूर है, वो भी एक बड़ी वजह है कि ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली भाई, मेरे पास 5वीं तक का स्कूल है, मैं 8 6वीं में पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा 6वीं का स्कूल मेरे से 6 किलोमीटर दूर है,
तो आपने सर साइकिल दे दूंगी लगातार जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में दुनिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी एक समाधान निकल सकता है जिन बच्चियों का स्कूल दूर है या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है तो वहां तक डिजिटल शिक्षा को पहुंचाया जाए? हमारा शिक्षा RTE कह रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को प्राथमिक स्कूल मिलना चाहिए और 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर बच्चे को उस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का मिलना चाहिए। आज भी यदि हम आप देख लें तो राजस्थान में 30% स्कूल ऐसे हैं जो मोर देन 5 किलोमीटर के दूर में आया 6 to 8 और 6 to 12 के। जब तक हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की उपलब्धता, बच्चों की पहुंच को सुनिश्चित नहीं कर करेंगे तब तक ये समस्या हमारे साथ बनी रहेगी। ठीक है सर, आपकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि आपने इस दिशा में किस तरह की अपनी भूमिका निभाई और अभी तक क्या क्या कुछ काम किए हैं और आपको क्या कुछ और करने की जरूरत लगती है अभी? नहीं देखिए, जहाँ तक एज ए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होने के नाते या एक बच्चों के लगातार काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लगातार सरकार के साथ अवगत कराया जा रहा है। सरकार को आयोग की संगीता जी बार बार जिस बातों कह रही हैं, इन सारे मुद्दों को उनके सामने भी उठाया जा रहा है। बात सारी ये है कि कलेक्टिव एफर्ट्स किस तरीके से लिए जाएं ताकि इस पूरी समस्या का निजात बच्चों को मिल पाए। जी, दो चीजें फिर मैं आजकल जो संगीता जी जुड़ी हुई है, संगीता जी आज बहुत ज्यादा एक्टिव है। जी, तीन सवाल संगीता जी के सामने और तीन चीजें। जी, क्या हमने हर उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जी बच्चों बालिकाओं के लिए जो प्रावधान किए गए थे अलग से सेपरेट काउंसलिंग रूम, ठीक है, आपको सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, ठीक है, उसके लिए योजना बना दी राज्य सरकार ने, उड़ान योजना, आपका टॉयलेट्स की उपलब्धता, जी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षिकाओं की उपलब्धता, ठीक, इसको लेकर के सरकार के साथ किस तरीके काम किए और किस तरह से उसको तो अभी तक जो सरकार ने काम किए वो आपको किस स्तर पर लग रहे हैं, आप पहले वो बताएं मुझे। है? अभी तक जो सरकार ने इस दिशा में काम किए, सरकार ने उन्होंने उड़ान योजना लेकर आए सैनिटरी नैपकिन के लिए, जो महिला शिक्षक है उनकी भर्तियां करी है, ठीक है, तो अभी आपको कहाँ लिख रहा है, हम किस पायदान पर हैं अभी? देखिए, आज भी आज या कल की परसों की डेटा है जिसमें आया है कि सरकार राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है शिक्षा को लेकर के। जी, है ना जी, वो सारी चीजें आंकड़ों में बहुत अच्छी चीजें हमारी। आप डाइस का डेटा देखेंगे, डाइस का डेटा उठा के देख लीजिए 2021 की डेटा में, ठीक है। अभिषेक जी, आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लगातार हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम अपने आप में, अपने समाज में, अपने जो मोहल्ला है, अपनी जो कॉलोनी है, वहां पर इस तरह की जागरूकता लेकर आए, उसको लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी तक? नहीं सर, हम लगातार शिक्षा, हम तो खाली केवल बालिका शिक्षा को लेकर ही नहीं, हम तो संपूर्ण शिक्षा को लेकर ही जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं। केवल धरातल पे कितनी है बात उसकी है, क्योंकि अपने लिए सर, अपने लिए कोई गलत नहीं कहेगा लेकिन धरातल पे कितना है वो जानना चाहते हैं। हम धरातल पर ही काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता फैला रखी है कि आज आप देखोगे कि पहले से ज्यादा अभिभावक जागरूक हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर हम प्रशासन की बात करते हैं, जहाँ पर हम सरकार की बात करते हैं, वहाँ पर जाके हम लोगों को नाकामी मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज सरकारों ने जितनी भी योजनाएं बना रखी वो उनमें अभिभावकों को जोड़ ही नहीं रखा, क्योंकि आज हम यहाँ बैठकर जिस विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट अभिभावकों से जुड़ना चाहते हैं। सर आज मैडम समस्याएं लेके मैदान में उतरे हुए हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अभिभावकों की किस तरह से जुड़ना चाहते हैं? यही चीज बता रहा हूं, अभी जैसे मैडम संगीता बेनीवाल जी जुड़ी हुई है, संगीता बेनीवाल जी को खुद को पता है कि हम लोगों की तरफ से कितनी शिकायतें, हम लोगों ने पेरेंट्सों की तरफ से कितनी शिकायतें वहां पे स्कूलों के लेकर नोट करवाई, बकायदा बाल आयोग से वहां से स्कूलों को नोटिस जारी हुए, लेकिन नोटिस जारी होने से क्या मतलब निकला जबकि स्कूलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, ऐसे नोटिस जारी होने से क्या मतलब निकलेगा? तो मतलब आप कहना चाहते हैं जो ये रिपोर्ट कार्ड है आप मांग लेकर गए उसमें से सरकार का मतलब कहीं भी कोई योगदान नहीं रहा? बिल्कुल भी सर, हमारे आज जो सरकार ने स्कूलों के अंदर, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर लेता हूँ, प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक कानून बना हुआ है, फीस एक्ट 2016 कानून बना हुआ है, उस कानून को अभिभावकों से स्वीकृति ली नहीं गई, लेकिन फिर भी हम कानून का सम्मान कर रहे हैं और उसको लागू करने की मांग लगातार 2016 से लेकर अब तक करते आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 3 मई 2021, 1 अक्टूबर 2021 को दो बार
बार इस चीज को लेकर ऑर्डर जारी हो चुका, लेकिन आज तक वो किसी भी स्कूल में लागू नहीं हुआ। शिक्षा विभाग को लगातार कंप्लेंट करते आ रहे, शिक्षा मंत्री को हम लगातार कंप्लेंट करते आ रहे, लगातार आप अपना पार्ट पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि बच्चियों की शिक्षा पूरी और बेहतर हो, इस बात को हम सभी को समझने की जरूरत है और पुख्ता करने की जरूरत है। इसके लिए हमको जागरूक करना पड़ेगा और समझना होगा कि सच में बिना बच्चियों की शिक्षा के विकसित खुशहाल राष्ट्र की संकल्पना अधूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें, और आप देख रहे हैं सच बेधड़क।